धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज बंद कर देते हो, तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 13। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार में ऐसा लगता है प्रभु यीशु मसीह नाराज हैं, प्रभु यीशु मसीह गुस्सा में हैं, प्रभु यीशु मसीह दुखित हैं। कारण क्या है? सात धिक्कार वो हमारे सामने रखते हैं। शास्त्री और फरीसी लोग चुने हुए लोग थे, जनता ने उन्हें चुना था ताकि वे लोगों का मार्गदर्शन करें, उनको रास्ता दिखाएं, आध्यात्मिक जीवन में उन्हें आगे बढ़ाएं। लेकिन ये फरीसी लोग, ये शास्त्री लोग ढोंगियों की तरह जीवन बिताते थे, लोगों से बहुत सारे चीजें चाहते थे, वो करना चाहते थे, लेकिन अपने जीवन में वो उसको लागू नहीं करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप अंधे नेता हो, आप लोग ढोंगी शास्त्री हो, आप लोग दूसरों से करवाते हो लेकिन अपने में उसको करते नहीं हो। क्रिस्ट में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, क्या मैं एक अंधा नेता हूं? क्या मैं एक ढोंगी इंसान हूं उन शास्त्रियों के समान, उन फारिजियों के समान? बहुत सारे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने चाहते होंगे, हमारा सहारा मांगते होंगे, प्रभु के करीब आना चाहते होंगे, प्रभु में सम्मिलित होना चाहते होंगे, प्रभु से प्रार्थना करना चाहते होंगे, लेकिन मैं कितना उनको समय दे पाता हूं? मेरा जीवन, एक क्रिस्ती जीवन, क्या उन ढोंगी शास्त्रियों के समान है, फारिजियों के समान है, अंध नेताओं के समान है? मैं पवित्र गिरजा जाता हूं, मैं बलिदान में भाग लेता हूं, कि जब वहां वो सुनता हूं, प्रभु को ग्रहण करता हूं, मेरा जीवन में उसको लागू करता हूं, उसको जीने के लिए कोशिश करता हूं? यह प्रश्न प्रिय भाई तथा बहनों, आज के दिन जरूर अपने आप को पूछिएगा, क्योंकि प्रभु ने आपको और हमें चुना है। हम सभी चुनी हुई प्रजा है, जनता से प्रभु ने हम सबों को चुना है ताकि हम लोगों का मार्गदर्शन करें, अपने शब्दों से नहीं प्रिय भाई तथा बहनों, लेकिन हमारे जीवन से। हमें आज के दिन दूसरों के जीवन के लिए सहारा बनना है, ना कि बोझ, जैसे फरीसी लोग दूसरों के कंधों पर लाद देते थे बोझ और उसे उठाने में स्वयं उंगली भी नहीं लगाते थे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, प्रभु यीशु मसीह उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति अनदेखा करने के लिए उन्हें गुस्सा आता है। कहीं प्रभु हमें भी तो कुछ नहीं कहते हैं? आइए आज स्वयं प्रभु का आवाज सुने, कोशिश करें, हो सकता है परिवार में कुछ प्रभु हमसे चाहते हैं, विद्यालय में कुछ चाहते हैं प्रभु, जब दफ्तर में काम करते हैं वहां प्रभु मुझसे कुछ चाहते हैं, जहां पे भी मैं हूं, क्या मैं एक उदाहरण बनकर जीवन बिताता हूं या लोगों के लिए एक, क्या कहते हैं, पत्थर, उनके जीवन में पत्थर बन के जीवन बिताता हूं? अपने आप को पूछ कर देखे प्रिय भाई तथा बहनों। आमीन।